हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं अपन एओडी के लास्ट टॉपिक जिसका नाम रहेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहले ये बात करते हैं अपन कि मैक्सिमा एंड मिनिमा का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये क्या क्या इसके एप्लीकेशन रहे होंगे, ये क्यों करते हैं अपन। तो देखो, जैसे मान लो कि एक कोई वेसल दे रखा है अपन को, अगर अपन को पता करना हो कि उसका मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा या उसका मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा जिससे कि उसका डायमेंशन ये होना चाहिए, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि उसका मैक्सिमम वॉल्यूम या प्रेशर रखने के लिए उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। या फिर मैं बोलूँ कि जैसे कोई एक हेलीकॉप्टर दे रखा है, उसको शूट करना है, कोई एक सोल्जर जो है उसको शूट करना चाहता है, तो हेलीकॉप्टर जिस पाथ पे वो कर रहा है या जिस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है उसका अगर अपन को इक्वेशन दे रखा है, उस कर्वेचर का अगर इक्वेशन दे रखा है, तो अपन उसको डिफरेंशिएशन से कैसे पता करेंगे कि हाँ उनके बीच में क्या मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए जिससे कि वो उसको आसानी से शूट कर सके। या फिर इस टाइप का हो सकता है, जैसे मान लो कोई एक कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उसका कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें प्रॉफिट लॉस चलता है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो अपन को एक फंक्शनल फॉर्म में दे रखा है, तो कितना क्या प्रोडक्शन होना चाहिए या किस हिसाब से उसको मैनेज करना चाहिए अपन को जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो ये अपन मैक्सिमा और मिनिमा में बात करेंगे। या एक एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो स्पेस शटल होता है उसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, तो इस टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे सपोज करो अपन ने एक कोई बॉल फेंका, फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं, अपन ने एक कोई बॉल फेंका तो उस वो जो है जैसे ऊपर की तरफ एक बॉल फेंका अपन ने, तो वो मैक्सिमम कितना हाइट तक जा सकता है अगर अपन को कर्व का इक्वेशन दे दे, या अपन को पता भी है कि ये जो होता है जैसे अपन ने किसी बॉल को फेंका तो ये एक पैराबोलिक फॉर्म होता है, तो कितना ये मैक्सिमम लेंथ तक जाएगा, ये कितना ये हाइट तक जाएगा, के क्वेश्चन को अपन एओडी में मैक्सिमा एंड मिनिमा से अप्रोच कर सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो अपन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में बात करेंगे कि किस किस क्वेश्चन में किस किस टाइप की अप्रोच करनी है और कैसे कैसे अप्रोच करनी है। उससे पहले अपन बात समझ लेते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा का। भैया, जैसे तुम लोग सोचोगे कि मैक्सिमम और मिनिमम की बात तो करी अपन ने, लेकिन ये मैक्सिमा या फिर मिनिमा का क्या मतलब होगा, बट मैक्सिमम क्या चीज़ होती है, मिनिमम क्या चीज़ होती है, मैक्सिमा अभी तक अपन ये चीज़ के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम के प्लूरल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अगर बहुत सारे मैक्सिमम हो रहे हैं तो अपन ने उसको मैक्सिमा से रिप्रेजेंट कर दिया, और बहुत सारे अगर मिनिमम हो रहे हैं तो अपन ने उसको मिनिमा से रिप्रेजेंट कर दिया। अब तुम सोचोगे कि भैया ये जो है बहुत सारे मैक्सिमम और बहुत सारे मिनिमम कैसे हो सकते हैं, अगर किसी कैरो में अपन बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं, तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के इंटरवेल में लिख लेते हैं अपन मिनिमम टू मैक्सिमम, तो बहुत सारे मैक्सिमा या मिनिमा क्या हो सकता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, कोई भी एक कैरो दे रखा होता है तो किसी पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा का मतलब होता है कि उसका रिलेटिव या फिर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बात करते हैं अपन, मतलब उस पॉइंट के अगल बगल में बात करते हैं। जैसे अपन ने लिमिट में देखा था, कंटिन्यूटी में देखा था, तो उस पॉइंट से जस्ट पहले क्या हो रहा है और जस्ट बाद में क्या हो रहा है, तो अपन रिलेटिवली अपन क्या कर सकते हैं किसी कर्व में एक से ज़्यादा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए ये प्लूरल वर्ड यूज़ में लिया गया है। तो एक से ज़्यादा अगर मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है तो अपन उसको मैक्सिमा और मिनिमा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा की कुछ कुछ बेसिक बातें अपन देख लेते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैंने देखो पिछले लेक्चर में भी बोला था कि जो मैक्सिमा मिनिमा होगा वो अपन जैसे कोई कर्व दे रखा होगा उसके हेल्प से भी करेंगे और उसको ग्राफिकल तरीके से भी समझेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको ग्राफिकल तरीके से समझेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना अपन उस बात पर डिस्कस करेंगे। तो अपन बोल चुके हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब ये हो जाएगा, मैक्सिमा और मिनिमा रिप्रेजेंट्स द प्लूरल वर्ड ऑफ मैक्सिमम
और मिनिमम, एक से ज्यादा मैक्सिमम और मिनिमम हो जाएंगे तो अपन उसको मैक्सिमा और मिनिमा से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक सिंपल से एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, एक कोई कर्व दे रखा अपन को इस टाइप का, ठीक है, ऐसा कुछ पैराबोलिक टाइप का दे रखा है और ये एक्स इक्वल टू ए दे रखा है। अगर इसके मैं राइट साइड में देखता हूँ एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, और इसके लेफ्ट साइड में देखते हैं अपन एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसके रिलेटिवली अपन देखेंगे, इसके लेफ्ट और इसके राइट में अपन देखेंगे। ये मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो इसके रिलेटिवली पॉइंट पे अपन देखते हैं, तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है एफ ऑफ ए, और इसके लिए जो वैल्यू होगा वो होगा एफ ऑफ ए प्लस एच फंक्शन का, और इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगा वो एफ ऑफ ए माइनस एच। यहाँ पर पैराबोलिक ग्राफ से अपन को पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू होता है वो कम से कम होता है। अब ये क्या है, देखो एफ ऑफ ए माइनस एच जो होगा वो एफ ऑफ ए से बड़ा होगा, और एफ ऑफ ए प्लस एच भी क्या होगा एफ ऑफ ए से बड़ा होगा, यानी कि दोनों रिलेटिव पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं देखूँ तो एफ ऑफ ए क्या है दोनों से छोटा है, दोनों से छोटा है मतलब मिनिमम है, मतलब कम है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए पे ये जो फंक्शन होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये मिनिमा पॉइंट होगा। कैसे देखना अपन को, अगर उसके लेफ्ट और राइट या तो दोनों में क्या हो उससे ज़्यादा वैल्यू हो तो वो बन जाएगा वहाँ पे मिनिमा। और दूसरा केस ऐसा हो सकता है, जैसे एक अपवर्ड पैराबोला टाइप का बना देता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ मैं एक्स इक्वल टू ए, इसके लेफ्ट में पॉइंट आ जाएगा एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, और ये राइट में मैंने वैल्यू ले लिया इसका एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, ये वैल्यू आ जाएगा एफ ऑफ ए फंक्शन का, यहाँ पे वैल्यू आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, और यहाँ पे वैल्यू आएगा एफ ऑफ ए माइनस एच। इसमें देखो इस पॉइंट के करस्पॉन्ड में या रिलेटिव पॉइंट पे देखेंगे तो एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ ए माइनस एच से भी बड़ा है और एफ ऑफ ए प्लस एच से भी बड़ा है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि जो एफ ऑफ ए होगा वो एफ ऑफ ए माइनस एच से भी छोटा होगा बड़ा होगा और एफ ऑफ ए प्लस एच से भी बड़ा होगा, तो ये वैल्यू दे देगा मैक्सिमा वैल्यू, और ये जो पॉइंट होगा एक्स इक्वल टू ए ये पॉइंट हो जाएगा लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमा पॉइंट बोल देंगे, या इसको रिलेटिवली मैक्सिमा पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि अपन ने पॉइंट के रिलेटिव में देख रहे हैं इसको, इसके अगल बगल वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं या उसके रिलेटिव में देख रहे हैं। तो देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर ऐसा हो जाए कि एफ ऑफ ए प्लस एच बड़ा हो जाए एफ ऑफ ए से, या एफ ऑफ ए माइनस एच भी बड़ा है यहाँ पे एफ ऑफ ए से, दोनों बातें, इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए इज लोकल या रिलेटिव लोकल मिनिमा पॉइंट, तो पॉइंट क्या हो जाएगा ए कोमा एफ ऑफ ए जो पॉइंट होगा वो मिनिमा पॉइंट हो जाएगा इस केस के लिए, ठीक है। अगर इस केस की बात करें तो अगर ऐसा हो कि एफ ऑफ ए प्लस एच लेस देन हो एफ ऑफ ए से, और एफ ऑफ ए माइनस एच भी लेस देन हो एफ ऑफ ए से, तो एक्स इक्वल टू ए जो होगा इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट। बात समझ में आ रही है, तो अपन क्या करेंगे रिलेटिवली देखेंगे, अगर उसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों में उससे मैक्सिमम उससे ज़्यादा वैल्यू होगा तो वो मिनिमा हो जाएगा, और अगर दोनों साइड में उस पॉइंट पे वैल्यू से फंक्शन के वैल्यू से अगर कम होगा तो वो मैक्सिमा बन जाएगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। अब लेकिन इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि ऐसा कुछ दे रखा है एक्स इक्वल टू ए, यहाँ पे अगर x इक्वल टू ए माइनस एच की बात करेंगे तो यहाँ कोई पॉइंट आएगा और x इक्वल टू ए प्लस एच यहाँ कुछ आएगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है यानी कि ये जो f ऑफ a है वो ही f ऑफ a, ये आगे जाके क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, ये आगे जाके क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा,
तो देखो ये सारी के सारी वैल्यू क्या है, एफ ओफ है। इसके राइट साइड में भी सारी के सारी वैल्यू क्या है, एफ ओफ है। लेकिन इसके अगर लेफ्ट में देखूं, यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि जो ए माइनस एच पे वैल्यू आएगा वो एफ ओफ से कम आएगा, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि एफ ओफ ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एफ ओफ ए माइनस एच से। लेकिन एफ ओफ ए के इक्वल आएगा हमेशा एफ ओफ ए प्लस एच। इधर जिस भी पॉइंट पे अपन देखेंगे, इसके रिलेटिव पॉइंट पे देखेंगे, वो एफ ओफ ए के इक्वल ही आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे वैल्यू है वो पूरे के पूरे फंक्शन के लिए ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि एक साइड में तो क्या है, ये एफ ओफ ए जो है वो इससे ज़्यादा है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि इसके रिलेटिव पॉइंट पे लेफ्ट साइड में जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन वैल्यू से छोटा होगा, लेकिन इधर इक्वल होगा, तो भी अपन इस कंडीशन में इसको मैक्सिमा पॉइंट बोलेंगे। यानी कि एक तरफा अगर अपने पास क्या हो, इनइक्वलिटी होल्ड कर रहा हो, और दूसरी तरफा अगर इक्वलिटी भी होल्ड कर देगा, तो भी अपन उसको मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट बोलेंगे। लेकिन इस केस के लिए देखो, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इधर लेफ्ट में क्या है, ये कम है इससे, इसलिए ये क्या बन जाएगा, मैक्सिमा। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट, यानी कि एक तरफ इक्वलिटी होल्ड कर सकता है। अगर दोनों तरफ इक्वलिटी होल्ड कर गया तो फिर वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, उसको अपन मैक्सिमा या मिनिमा नहीं बोल सकते। मैक्सिमा या मिनिमा का एक ही फंडा है कि उस जो उसका एक्चुअल डेफिनेशन है वो यही है कि उसके रिलेटिव पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन वैल्यू देखेंगे। अगर उसके दोनों रिलेटिव पॉइंट पे उससे कम वैल्यू आए या फिर उससे ज़्यादा वैल्यू आए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पे कम आ जाए और एक पे ज़्यादा आ जाए। हाँ, इक्वलिटी होल्ड कर सकता है। अब ये ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि ये एफ ऑफ ए प्लस एच पे इक्वलिटी होल्ड करे, हो सकता है ये एफ ऑफ ए माइनस एच पे इक्वलिटी होल्ड कर जाए। ठीक है, तो अपन को रिलेटिव पॉइंट पे देखना है, रिलेटिव पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम और मिनिमम होगा, तभी तो अपन बताएंगे। रिलेटिव पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तभी तो अपन को पता चलेगा कि एक से ज़्यादा मैक्सिमम या एक से ज़्यादा मिनिमम पॉसिबल है। ठीक है, इसी का थोड़ा ग्राफिकली फॉर्म और देखते हैं अपन कि क्या क्या तरीका हो सकता है मैक्सिमा और मिनिमम। बात करते हैं भाई कुछ एक और ग्राफ्स की। देखो इसमें देखो, यहाँ पे अगर x इक्वल टू ए की बात करें तो x इक्वल टू ए पे फंक्शन का वैल्यू ये है, तो इसके रिलेटिवली अपन देखेंगे तो इसके राइट में अगर मैं बात करूँ तो x इक्वल टू ये बन रहा है ए प्लस एच, और यहाँ पे ये बन रहा है x इक्वल टू ए माइनस एच। अगर a माइनस एच यानी कि एफ ओफ ए माइनस एच की बात करें, वो क्या होगा, एफ ओफ ए से बड़ा होगा, दिख रहा है। और अगर एफ ओफ ए प्लस एच की भी बात करें, वो भी एफ ओफ ए से क्या होगा, बड़ा होगा। तो दोनों साइड में रिलेटिवली वैल्यू अगर बड़ी है तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो लोकल मिनिमा पॉइंट हो जाएगा। तो x इक्वल टू ए एज अ लोकल मिनिमा पॉइंट, यहाँ पे बात करें x इक्वल टू ए पे देखो फंक्शन की वैल्यू ये है, इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे वैल्यू, इसके जस्ट लेफ्ट में यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और उसके आगे क्या है, इधर अगर मैं बात करूँ थोड़ा तो x इक्वल टू ये a माइनस एच है और ये x इक्वल टू ए प्लस एच है। ए माइनस एच पे भी देखो फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो एफ ओ पे से ज़्यादा होगा, और x इक्वल टू ए प्लस एच पे एफ ऑफ ए प्लस एच फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो एफ ऑफ ए से ज़्यादा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमा पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों रिलेटिव पॉइंट पे से ज़्यादा वैल्यू आ रही है। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू ए इज ए लोकल मिनिमा पॉइंट। यहाँ पे देखते हैं x इक्वल टू ए पे देखो फंक्शन का वैल्यू ये आ रहा है, यहाँ पे तो ये ब्रेक हो रहा है, लेकिन x इक्वल टू ए पे फंक्शन का वैल्यू ये है। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो देखो x इक्वल टू ए माइनस एच, और राइट साइड में x इक्वल टू ए प्लस एच। यहाँ पे क्लियरली अपन को दिख रहा है कि जो a माइनस एच पे फंक्शन का वैल्यू होगा वो यहाँ पे है, तो ये एफ ओ पे से कम होगा, और a प्लस एच पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो एफ ओ पे से ज़्यादा होगा। तो एक तरफा कम है और एक तरफा ज़्यादा है, तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है बात का। या तो दोनों तरफा क्या होना चाहिए, मिनिमा मतलब कम होना चाहिए, या फिर दोनों तरफ ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो x इक्वल टू ए पॉइंट होगा वो ना ही तो मैक्सिमा पॉइंट होगा और ना ही मिनिमा पॉइंट होगा।
एक्स इक्वल टू ए इज नेदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट, ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाली बात। अब देखो अगर इस ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ में एक से ज़्यादा मैक्सिमम होंगे और एक से ज़्यादा मिनिमम होंगे, यानी कि मैक्सिमा मिनिमम पॉइंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपन ने रिलेटिव पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखा। एक मैं इस पॉइंट पे बात कर लेता हूँ, टू थ्री फोर फाइव एंड ये सिक्स पॉइंट, इन पॉइंट्स पे बात करते हैं। देखो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करूं तो इसके लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो लेफ्ट साइड में इससे कम वैल्यू है, यानी कि एफ ऑफ ए माइनस एच, अगर ए की बात करूं मैं तो इसके लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू से कम होगी और इसके राइट साइड में भी कम होगी। तो ये पॉइंट जो होगा वो लोकल मैक्सिमा पॉइंट बन जाएगा, ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा पॉइंट बन जाएगा। बात करें इसकी, अगर इसके लेफ्ट में जाएंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू से ज़्यादा होगा और इसके राइट में भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा लोकल मिनिमा पॉइंट। यहाँ पे बात करें इसके लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू से कम वैल्यू होगी और इसके भी लेफ्ट साइड, इसके राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू इसके फंक्शन की यहाँ पे वैल्यू से कम होगा तो ये बनेगा लोकल मैक्सिमा पॉइंट। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इसके लेफ्ट में इस वैल्यू से ज़्यादा आएगा और इसके राइट में भी ज़्यादा आएगा तो ये पॉइंट बनेगा लोकल मिनिमा पॉइंट। इस पॉइंट पे देखो लेफ्ट साइड में इसकी वैल्यू से कम होगा और राइट साइड में भी इससे कम होगा तो ये बनेगा लोकल मैक्सिमा पॉइंट। और आखिर में इस पॉइंट की बात करते हैं तो देखो इसके लेफ्ट में क्या होगा, ज़्यादा वैल्यू होगा और राइट में भी ज़्यादा वैल्यू होगा तो ये बनेगा लोकल मिनिमा पॉइंट। तो ग्राफिकली अपन इस चीज़ को देख सकते हैं, किसी भी पॉइंट की बात करेगा तो उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में देखना है कि उस पॉइंट के रिलेटिव में वो दोनों तरफ कम है या दोनों तरफ ज़्यादा है। अगर एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा होगा तो ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। और किस टाइप से होगा, अगर दोनों साइड में कम वैल्यू है तो वो मैक्सिमा पॉइंट बनेगा और दोनों साइड में अगर ज़्यादा वैल्यू है तो वो मिनिमा पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो ग्राफिकली अगर कोई भी अपन को कर्व दे रखा होगा तो अपन आराम से उसमें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। बात करते हैं अपन आगे, तो देखो एक एक करके बात करते हैं अपन। पहले पॉइंट की बात करते हैं कि लोकल मैक्सिमा, हालांकि अपन देख चुके हैं लोकल मैक्सिमा या फिर रिलेटिव मैक्सिमा एक ही बात। तो किसी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं x इक्वल टू ए पे, अगर एफ ऑफ ए जो होगा, अगर अपन मैक्सिमा की बात करें, अगर एफ ऑफ ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए ग्रेटर देन हो एफ ऑफ ए माइनस एच, या फिर इक्वलिटी भी होल्ड कर सकता है कि अगर एफ ऑफ ए किधर भी एक तरफ इक्वलिटी होल्ड करवा सकता है, इधर इक्वलिटी होल्ड कर जाए या एफ ओ ए माइनस एच, जरूरी नहीं कि इक्वलिटी इधर भी होल्ड कर सकता है, कहीं भी करवा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई लोकल मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा की। अगर बात करें अपन लोकल मिनिमा या फिर रिलेटिव मिनिमा की, तो एफ ऑफ ए जो होगा वो लेस देन होगा एफ ऑफ ए प्लस एच से एंड एफ ऑफ ए लेस देन होगा एफ ऑफ ए माइनस एच, या फिर एफ ऑफ ए जो है वो लेस देन हो एफ ऑफ ए प्लस एच से
या एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच, इसमें भी इक्वलिटी इसमें होल्ड करवा सकते हैं या इसमें होल्ड करवा सकते हैं। ये तो बात हो गई रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा की। इसके बाद में एक आता है ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल बोल दूं या फिर एब्सोल्यूट बोल दे, मैक्सिमा ग्लोबल या एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करें, इसका मतलब क्या है? देखो ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा बताएगा इस ये जो फंक्शन होगा वो अगर हमेशा, जैसे मान लो कोई एफ वाई इक्वल टू एफ ओ एक्स एक कोई फंक्शन है और एक्स इक्वल टू ए पे अपन चेक कर रहे हैं, और इसका कोई डोमेन जो है डोमेन ऑफ फंक्शन उसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो पूरे के पूरे डोमेन में अगर एफ ओ ए जो है वो बड़ा होगा पूरे फंक्शन से, ये पूरी बात कर दूंगा, यानी कि इस डोमेन में जितने भी पॉइंट होंगे उन पॉइंट पे जो वैल्यू होगी उन सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी एफ ऑफ ए की। तो एक्स इक्वल टू ए पे ये फंक्शन क्या बन जाएगा? ग्लोबल या एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अब फंक्शन एस ग्लोबल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए, इफ इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर डोमेन ऑफ फंक्शन। पूरे डोमेन में अगर ये एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स से बड़ा होता है तो ये ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा बन जाएगा, कि उस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू रहा होगा उसके डोमेन वो उसका ग्लोबल या एब्सोल्यूट मैक्सिमा बन जाएगा। ऐसे ही जो मिनिमम वैल्यू होगा वो इसका ग्लोबल एब्सोल्यूट ग्लोबल या एब्सोल्यूट मिनिमा बन जाएगा। तो ग्लोबल और एब्सोल्यूट मिनिमम, तो वो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पे बात कर रहे हो, उस फंक्शन का डोमेन डी है। तो अब फंक्शन हैज ग्लोबल मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए एफ एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स और डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ग्लोबल या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की बात अपन ने कर लिए, अपन आराम से चेक कर सकते हैं, ग्राफिकली बता सकते हैं, और जो मैथमेटिकली डेफिनेशन होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अपन इससे आगे। देखो भाई, जो अपन ने मैक्सिमा और मिनिमा का भी डेफिनेशन देखा ना, वो डेफिनेशन डिसकंटिन्यूस फंक्शन पे भी एप्लीकेबल होगा और नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन पे भी एप्लीकेबल होगा। तो द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा वर्क्स वेल विद डिसकंटिन्यूस और नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन ऑल्सो, यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। वो अपन ने अभी देखो इससे पहले जो एग्जांपल करे थे वहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस भी थे और नॉन डिफरेंशियबल भी था, लेकिन वहाँ पे फिर भी मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा था। तो देखो क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, कि एग्जामिन द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इन ईच केस आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये कुछ एक ग्राफ दे रखे हैं अपन को, इन ग्राफ में अपन को लोकल मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमा लोकल मिनिमा या ग्लोबल मिनिमा की बात करनी है। तो देखो फर्स्ट वाला देखते हैं अपन केस, फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड दे रखा। तो फर्स्ट में देखो ऐसा कुछ ग्राफ दे रखा है, ये यहाँ पे होलो सर्कल दे रखा है, मतलब एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस पॉइंट पे तो अपन देखो देख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे वन पे पहले बात तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसके रेस्पेक्ट में अपन किसी पॉइंट पे नहीं देख सकते।
बात करते हैं जैसे x इक्वल टू टू पे, तो x इक्वल टू टू पे देखो अपन को दिख रहा है इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में फंक्शन का वैल्यू इसके करस्पॉन्ड में कम हो रहा है, तो x इक्वल टू टू जो है वो एज लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा। बात करें x इक्वल टू थ्री पे, तो x इक्वल टू थ्री पे देखो इसके राइट साइड में अपन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो फंक्शन ही नहीं दे रहा था अपन इस ये डोमेन में नहीं, तो डोमेन में बात करूँ तो इसके लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में इस फंक्शन की वैल्यू से इससे क्या है ज़्यादा है, तो x इक्वल टू थ्री एज ए लोकल मिनिमा पॉइंट बन जाए। और बात करते हैं ग्लोबल मैक्सिमम की, तो देखो ग्लोबल मैक्सिमम में देखो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, x इक्वल टू टू पे आ रही है इस पूरे फंक्शन के लिए, तो x इक्वल टू टू जो है वो एज ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट, ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा। अब देखो मिनिमा वैल्यू आएगा नहीं यहाँ पे, ग्लोबल मिनिमा देखो x इक्वल टू वन पे ग्लोबल मिनिमा हो सकता था लेकिन x इक्वल टू वन पे यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। और इससे जस्ट अगर अपन राइट की बात करें तो जस्ट राइट पे अपन इस तरफ की बातें कर चुके हैं अपन कि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू अपन नहीं बता पाएंगे, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे तो इसका ग्लोबल मिनिमा पॉइंट भी नहीं बता पाएंगे। बात करते हैं अपन नेक्स्ट ग्राफ की, इसमें ये ऐसा कुछ दे रखा है स्ट्रेट लाइन और फिर ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे देखो ये डॉटेड सर्कल है लेकिन यहाँ पे होलो सर्कल है और फिर से यहाँ पे होलो सर्कल है। बात करें अगर x इक्वल टू माइनस वन की, तो माइनस वन पे देखो x इक्वल टू माइनस वन के लेफ्ट साइड में अपन नहीं जा सकते लेकिन अगर राइट साइड में जाओगे तो राइट साइड में देखो इससे ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस वन एज ए लोकल मिनिमा पॉइंट, मिनिमा पॉइंट ठीक है। फिर बात करते हैं अगर x इक्वल टू वन पे बात करें, तो वन पे देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन ये है, इसके अगर लेफ्ट में मैं जाता हूँ तो वैल्यू ऑफ फंक्शन ये है जो कि इससे ज़्यादा है और इसके राइट में ये वैल्यू आएगा जो कि इससे कम है, तो x इक्वल टू टू पे ना वन पे ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। बात करते हैं x इक्वल टू थ्री पे, तो x इक्वल टू थ्री पे देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन ही नहीं है तो अपन इसके बारे में नहीं बता सकते। अगर ग्लोबल मिनिमा की बात करें तो ग्लोबल मिनिमा देखो यहाँ पे हो सकता था लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ठीक है, ना तो यहाँ पे देखो लोकल मिनिमा का कोई पॉइंट होगा और ना ही ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट होगा। बात करते हैं अपन नेक्स्ट ग्राफ की, देखो एक्स इक्वल टू माइनस वन पे ये दे रखा है होलो सर्कल और एक्स इक्वल टू टू पे भी ये दे रखा है होलो सर्कल, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन पे और टू पे तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे क्या है वहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसके लेफ्ट और राइट में मैं बात नहीं कर सकता हूँ। अगर x इक्वल टू वन पे बात करें तो वन के रेस्पेक्ट में देखो इसके लेफ्ट और राइट दोनों पे फंक्शन का वैल्यू इससे बड़ा आएगा, इससे बड़ा आएगा, इसका मतलब x इक्वल टू वन एज ए लोकल मिनिमा पॉइंट, x इक्वल टू वन की बात करें, ये सॉरी x इक्वल टू जीरो की बात करें, x इक्वल टू वन पे बात करें तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों में इसका फंक्शन का वैल्यू इसके करस्पॉन्ड में कम है, तो ये x इक्वल टू वन एज ए लोकल मैक्सिमा पॉइंट। और इसकी बात कर ही नहीं सकते अपन। अब देखो अगर ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें तो यहाँ पे x इक्वल टू वन पे ये मिनिमम वैल्यू देगा, तो x इक्वल टू जो जीरो पॉइंट होगा वो इज ए ग्लोबल मिनिमा पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो इस फंक्शन के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू देगा तो ये ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा, तो x इक्वल टू वन इज ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट। तो ग्राफ से अपन ऐसा आराम से देख सकते हैं, अगर मान लो अपन को कोई फंक्शन दे रखा होगा तो अपन उसको ग्राफ ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, और अपन आगे बात करेंगे अगर ग्राफ भी ड्रॉ नहीं करेंगे तो डिफरेंशिएशन से अपन कैसे चेक करते हैं। तो ये अभी तक का मेथड था अपना ग्राफिकली मेथड। देखो भाई अगर ग्राफ नहीं देखे कुछ फंक्शन फॉर्म में दे रखा होगा तो अपन मैक्सिमा और मिनिमा की बात कैसे करेंगे,
अगर पॉसिबल होगा तो अपन ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि लेट एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स व्हेन मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन इक्वल टू टू एंड वन व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। ये एक फंक्शन दे रखा है अपन को। एग्जामिन बिहेवियर ऑफ एफ ऑफ एक्स, अपन को बताना है इसका मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। बिहेवियर ऑफ एफ, अपन ने बोला कि मैक्सिमा और मिनिमा से क्या कर सकते हैं, अपन किसी फंक्शन का बिहेवियर भी देख सकते हैं। तो देखो पहले बात करते हैं इसकी, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो मोड ऑफ एक्स, ये बात तो हमेशा सही रहेगी कि मोड ऑफ एक्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर जीरो हो सकता है। तो ये बात तो सही है। अब इसमें इस बात को पकड़ लेते हैं अपन कि मोड ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू टू पे क्या होगा। इसके कहने का मतलब क्या होगा कि मोड ऑफ एक्स, देखो इसने बोला ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स दे रखा है लेस देन इक्वल टू टू। इसका क्या मतलब है, अपन ने इनइक्वालिटी में पढ़ा था कि मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए होता है, इसका मतलब एक्स बिलोंग करता है माइनस ए से ए, या फिर एक्स जो होगा वो माइनस क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू का साइन है माइनस ए से ए के बीच, ऐसा कुछ। ये इनइक्वालिटी में अपन देख चुके हैं। तो इसके मतलब क्या हो गया कि जो x का वैल्यू होगा यहाँ पे माइनस टू से टू के बीच में लाइक है, ये जो फंक्शन होगा। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि इसका मतलब ये दे रखा था कि माइनस टू से टू के बीच में फंक्शन होगा मोड ऑफ x, और जीरो पे होगा वन। और जीरो देखो यहाँ पे अपन को इंक्लूड करना भी नहीं है, वैसे यहाँ पे जीरो अपन को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि इसमें पहले बोला है कि जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी कि जीरो के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर इस इंटरवल की बात करें तो इसमें जीरो आएगा, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं अपन, और ग्राफ से ही देख लेते हैं कहाँ मैक्सिमा और मिनिमा हो रहा है। मोड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना अपन को माइनस टू से टू के बीच, तो अपन को पता है मोड ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है वो बनता है वी शेप में, लेकिन अपन को सिर्फ माइनस टू और टू के बीच में बनाना है। तो माइनस तो ऐसा वी शेप बना देता हूँ मैं इस टाइप का, यहाँ से लेके यहाँ। लेकिन देखो जीरो पे नहीं आएगा, एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है मोड ऑफ एक्स में, एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है, तो जीरो पे अपन को वैल्यू दे रखा है वन। तो यहाँ कहीं पर मैं बोल देता हूँ ये वन है और ये बताइए अपन को टू। अब देखो कहाँ पे चेक करना है अपन को, अगर जहाँ पे इनइक्वालिटी बन रही होगी वहाँ की बात करें या पूरे ग्राफ की भी बात कर सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं देखूँ जीरो पे, तो जीरो पे अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, वन है। अगर इसके थोड़ा लेफ्ट साइड में जाऊँगा तो वैल्यू यहाँ पे आएगा, राइट साइड में जाऊँगा तो यहाँ पे आएगा। तो दोनों की दोनों वैल्यू ये इस वैल्यू से कम होगी, इस वैल्यू से कम होगी, इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा यहाँ पे। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन इज मैक्सिमा, या कौन सा मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम। ग्राफ से अपन देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो इसमें एक फंक्शन दे रखा है माइनस ऑफ एक्स क्यू प्लस बी क्यू माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस थ्री बी प्लस टू। जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन वन होगा तब, और 2x माइनस थ्री होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन इक्वल टू थ्री होगा। बात अपन से ये करना चाह रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b, b की सारी पॉसिबल वैल्यू बतानी है किसके लिए, सच दैट f ऑफ x हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एट x इक्वल टू वन, यानी कि वहाँ पे मिनिमा रहा होगा। और अगर ऐसी बात है या स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात कर रहा है इस इंटरवेल में, तो एक तरीके से मैं ग्लोबल मिनिमा भी बोल सकता हूँ। तो ग्लोबल मिनिमा की डेफिनेशन से भी देखें, इसका मतलब जो एफ ऑफ वन होगा वो हमेशा लेस देन होगा पूरे के पूरे एफ ऑफ एक्स, पूरे के पूरे एफ ऑफ एक्स है जिसमें अपन को डिफाइन कर रखा है। इसका मतलब यही होगा, क्योंकि लीस्ट वैल्यू तो तभी होगा, और अगर मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, जब यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाता। तो इक्वल टू की बात करते हैं यहाँ पे अपन, तो एफ ऑफ वन कहाँ से आएगा, जहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा। तो यहाँ से अपन को पता पड़ रहा है कि f ऑफ वन, तो देखो इसमें पुट कर दूंगा मैं, तो
तो 2 इंटू 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1। तो ऐसा लिख सकता हूँ कि ये माइनस 1 होगा f ऑफ x, ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन अपन कहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं? अपन चेक करना चाह रहे हैं x पे, यानी कि x इक्वल टू 1 पे चेक करना चाह रहे हैं। तो 1 पे चेक करेंगे तो ये जो वैल्यू होगा वह, ये तो क्या था, 1 से बड़े वाले के लिए था, और ये क्या है, 1 से छोटे वाले के लिए। तो इससे जो छोटी वैल्यू भी आएगी, यानी कि x की छोटी वैल्यू पर भी ये जो f ऑफ 1 होगा वो छोटा होगा भाई, हमेशा ये तो पूरे के पूरे x के लिए छोटा होगा। तो इसमें मैं क्या पुट कर देता हूँ, इसमें ये पुट कर देता हूँ कि माइनस 1 लेस देन होगा, कहाँ पे चेक कर रहे हैं अपन, x इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसके लेस देन पे, भाई इसके पीछे भी जो वैल्यू आएगा उससे भी, भाई 1 प्लस एच 1 माइनस एच की बात कर रहे थे, तो लेस देन पे भी जो वैल्यू आएगा ना इसका, वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा इसे, तभी तो ये लिस्ट में भी बनेगा। तो x इक्वल टू 1 पे, या यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 1 पुट करूँगा, तो ये बनेगा माइनस 1 प्लस बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2। अगर ये माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई करके अपन ऐसा कुछ लिखेंगे कि बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2, ये बन जाएगा ग्रेटर देन 0। भाई इधर 0 बचेगा, ये कट जाएगा। अब देखो इनइक्वालिटी बन रही है और वो भी क्यूबिक में बन रही है, तो इसको फैक्टर करना पड़ेगा। तो इसको फैक्टर कैसे कर सकते हैं, क्यूबिक को कैसे फैक्टर करेंगे अपन, इसमें वैल्यू पुट कर लेता हूँ। देखो अगर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो b इक्वल टू 1 पे देखो 1 माइनस 1 कैंसिल प्लस 1 माइनस 1, b माइनस 1 तो एक फैक्टर हो जाएगा इसका, b माइनस 1। आगे की अगर वैल्यू अपन को निकालना चाहते हैं तो इसको इसमें डिवाइड कर देंगे। तो देखो b माइनस 1 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा b स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगा बी क्यूब माइनस ऑफ बी स्क्वायर, इसको कैंसिल करेंगे ये बी माइनस 1 बन जाएगा, और फिर से अगर इसमें डिवाइड करूँगा तो ये प्लस 1 बन जाएगा। यानी कि इसके फैक्टर जो बनेंगे वो बन जाएगा एक तो बी माइनस 1 और एक बनेगा बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बी स्क्वायर प्लस 1, और जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसके फैक्टर बन जाएंगे सीधे सीधे बी प्लस 1 बी प्लस 2, और ये आ गया ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ से तो कोई फैक्टर होगा नहीं, एक तरीके से ये क्या है, पॉजिटिव नंबर होगा, तो पॉजिटिव नंबर है तो ये इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। भाई इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, 0 प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा, तो फैक्टर आएंगे अपने पास यहाँ से माइनस 2 माइनस 1 एंड 1, यहाँ से माइनस 2 माइनस 1 और ये 1 आ गया, ये बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कौन सी बात दे रखी है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो एक इंटरवल तो ये हो जाएगा। देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, और वैसे भी इक्वल टू तो अपन को लेना नहीं है, डिनोमिनेटर 0 है तो होलो सर्कल वैसे ही हो जाएगा, और एक बन जाएगा ये। तो यहाँ से देखो ये बन जाएगा इंटरवल बी बिलोंग्स टू माइनस 2 टू माइनस 1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो बी की इस वैल्यू के लिए एक्स इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का लीस्ट वैल्यू होगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो जो उसका बेसिक डेफिनेशन अपन ने देखा है उस बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से अप्रोच कर सकते हैं। देखो भाई कुछ एक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, और टर्निंग पॉइंट क्या होता है, उसको ग्राफिकली भी अपन देख सकते हैं और क्वेश्चन में अप्लाई करके भी देख सकते हैं। इन तीनों पॉइंट का मतलब अगर मैं बताऊँ तो ये डेरिवेटिव्स है एक तरीके से। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब ये है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जिन जिन पॉइंट्स पे जीरो हो जाएगा वो सारे के सारे पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट होंगे। और डेरिवेटिव जीरो कब होता है भाई, डेरिवेटिव का मतलब स्लोप, और स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अगर मैं ग्राफिकली देखना चाहूँ तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो, और उसके पैरेलल लाइन जितनी भी होती है उन सब का स्लोप जीरो होता है। तो अगर किसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ तो वो सारे के सारे स्टेशनरी पॉइंट होंगे। जैसे सपोज करो कि ग्राफ ऐसा कुछ है, तो इन सारे पॉइंट पे देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, तो
यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या होगा, इन सब पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये सारे के सारे पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट हो जाएंगे। सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट का इतना सा डेफिनेशन है कि डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। दूसरा, अगर क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये है कि डेरिवेटिव या तो 0 हो या फिर नॉट डिफाइन हो। नॉट डिफाइन का मतलब अपन देख चुके हैं कि किसी का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो अपन ने किसी का एफ डैश एक्स निकाला और वो ये आ गया 1/(x-1)। अब देखो इसका डेरिवेटिव अपन ने निकाला, लेकिन ये जो डेरिवेटिव है वो x=1 पे डिफाइन नहीं है। लेकिन ये स्टेशनरी पॉइंट तो नहीं हो सकता इसका, लेकिन ये इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। यानी कि या तो उसका डेरिवेटिव 0 हो या फिर उसका डेरिवेटिव जो है वो नॉट डिफाइंड हो। दोनों ही कंडीशन में वो पॉइंट कौन से होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। और फिर आज बात करते हैं अपन टर्निंग पॉइंट के बारे में। तो देखो टर्निंग पॉइंट क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट भी डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में ही अपन देखेंगे। तो ऐसा स्टेशनरी या क्रिटिकल पॉइंट जिस पे डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा हो, यानी कि उसके लेफ्ट और राइट दोनों में डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा हो, अगर पहले पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव या पहले नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो वो टर्निंग पॉइंट हो जाएंगे। होंगे वो स्टेशनरी और क्रिटिकल पॉइंट में, लेकिन डेरिवेटिव का साइन चेंज होना चाहिए। तो देखो स्टेशनरी पॉइंट तो बोलता है द पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एट विच द टेंजेंट लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट इज 0 आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। बता दिया कि dy/dx या एफ डैश एक्स 0 होगा, वो स्टेशनरी पॉइंट। नेक्स्ट है क्रिटिकल पॉइंट, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट x=c एंड इधर f'c=0 और f'c इज नॉट डिफाइंड, या तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो या नॉट डिफाइंड हो, तो इज कॉल्ड अ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो जहाँ पे वैल्यू होगा वो क्रिटिकल वैल्यू होगा। और ये जो पॉइंट होगा भाई x=c की बोली है, x=c, f(c), ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा, तो इस पॉइंट को अपन क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट एट विच द डेरिवेटिव फंक्शन चेंजेस साइन इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। जहाँ पर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, उनको अपन टर्निंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो आज अपन ने जो बात करी है उसके बेस पर अपन कुछ क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।